अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में फाइनेंशियल ईयर कैसे बदलते हैं। इसके पहले हम टेली प्राइम के बेसिक लेवल की 46 वीडियोस बना चुके हैं और इस वीडियो से हम इंटरमीडिएट लेवल पर काम करने जा रहे हैं। यदि आप टेली प्राइम की एबीसी भी नहीं जानते हैं, यानी आपको ये भी नहीं पता कि टेली क्या है, अकाउंटिंग क्या है, तो हमारी टेली प्राइम के बेसिक लेवल की सभी वीडियो जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। बेसिक लेवल की आखिरी वीडियो बैलेंस शीट से संबंधित थी। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस नाम की कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में काम किया था और उस वर्ष के प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए उस वर्ष की अकाउंटिंग क्लोज कर दी थी, यानी फाइनल अकाउंट्स बना लिए थे। अब हमें अगले वर्ष यानी 2021-22 जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है, उसमें काम करना है। यहाँ समझने के लिए हम इसी कंपनी में आगे काम कर रहे हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि आपकी कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो, अगले फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू करने का तरीका यही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या आती है और उनको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ करंट पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 दिखाई पड़ रहा है, यानी हम अपनी जो बुक्स क्लोज कर चुके हैं ये कंपनी उसी पीरियड में ओपन हुई है, जबकि आज तारीख है 1 अप्रैल 2021 और हमने आज ही लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स को 5,000 रूपए नकद पेमेंट किया है। तो आइए इसकी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए वी प्रेस करेंगे। देखिए पेमेंट वाउचर ही आ रहा है और हमें यही चाहिए। सबसे पहले हम डेट में 1/4/21 यानी 1 अप्रैल 2021 टाइप कर रहे हैं। देखिए यहाँ एरर आ रही है, डेट कैन नॉट बी अबव करंट पीरियड। इसका तात्पर्य यह है कि अभी इस कंपनी में जो करंट पीरियड है वो 31 मार्च 2021 तक का है और आप उसके आगे की तारीख में एंट्री नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप डेट बदलकर पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें और जब उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने जाते हैं तब इस तरह का मैसेज आए। तो इस समस्या का हल ये है कि आपको अपनी कंपनी का करंट पीरियड चेंज करना होगा और ये काम आप चाहें तो यहीं पर ऑल्टर और F2 कीज को प्रेस करके कर सकते हैं या फिर गेटवे ऑफ टेली पर जाकर करंट पीरियड चेंज करना होगा। हम यहाँ ऑल्टर और F2 प्रेस करके फ्रॉम में 1 अप्रैल 21 और टू में 31 मार्च 22 टाइप कर रहे हैं। देखिए करंट पीरियड चेंज हो गया है। हम वापस वाउचर पर चलकर एंट्री कर लेते हैं। डेट में हम 1 अप्रैल 2021 ले रहे हैं, DR में लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, अमाउंट में 5000 टाइप कर रहे हैं और यहाँ CR में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं और अब यहाँ पर नरेशन टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए इस बार डेट का कोई एरर नहीं आया, यानी हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब हम जो भी एंट्री करेंगे वो इसी करंट पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, आपने करंट पीरियड में फाइनेंशियल ईयर कोई सा भी सिलेक्ट किया हो पर रिपोर्ट्स जैसे कि डे बुक, लेजर्स इत्यादि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर या किसी भी पीरियड की देख सकते हैं। आइए इसे दो उदाहरणों से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण, हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का कैश का लेजर ओपन करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से लेजर वाउचर सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर्स में से कैश सिलेक्ट करेंगे। देखिए चालू वर्ष में 1 अप्रैल 21 का कैश का लेजर ओपन हो गया है। अब F2 प्रेस करके पिछले वर्ष का पीरियड
1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए कैश का पिछले वर्ष का लेजर ओपन हो गया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब हम गोटू पर जाकर यहाँ से डेबुक ओपन कर लेते हैं। ऑल्टर और F2 प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर तारीख 1 अप्रैल 21 आ रही है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर की है। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के शुरू से लेकर इस करंट फाइनेंशियल ईयर की तारीख 1 अप्रैल 21 तक की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ फ्रॉम में 1 अप्रैल 20 टाइप कर रहे हैं और टू में 1 अप्रैल 21 ही रहने दे रहे हैं। ये देखिए 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 21 तक की डेबुक ओपन हो गई है, यानी इसमें पिछले वर्ष और चालू वर्ष दोनों की रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में किसी वाउचर में कोई करेक्शन करना है या कोई नया वाउचर बनाना है, तो ये करके देखते हैं। यहाँ पर हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर की तारीख 31 मार्च 21 ली है। ये देखिए एरर आ रही है, डेट कैन नॉट बी बिलो करंट पीरियड। इसका तात्पर्य ये है कि अभी इस कंपनी में जो करंट पीरियड 1 अप्रैल 21 से शुरू हो रहा है उसके पहले की तारीख में एंट्री नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप डेट बदलकर पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें और जब उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने जाएं तब इस तरह का मैसेज आए। ऐसी स्थिति में आपको पिछले समाप्त हुए वर्ष का करंट पीरियड 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 करना होगा, तभी आप ये एंट्री कर पाएंगे। अभी ये सब हमने केवल आपको समझाने के लिए किया था, हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई एंट्री नहीं करना है। एक और बात का ध्यान रखें, नए फाइनेंशियल ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आप टैली में जब भी ये कंपनी ओपन करेंगे वो नए वर्ष में ही ओपन होगी और आपको नए फाइनेंशियल ईयर में काम करने के लिए पीरियड चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पर हम आपको ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वर्ष समाप्त होने पर हमारे इनकम और एक्सपेंसेस के खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं, यानी अगले वर्ष में नहीं आते हैं। इसे समझने के लिए हम इस साल की ओपनिंग ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेते हैं। उसके लिए डी प्रेस करें, फिर टी प्रेस करें और अब ऑल्टर और F5 प्रेस करें, फिर F12 प्रेस करके शो ओपनिंग बैलेंस को यस करें और शो क्लोजिंग बैलेंस को नो करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए ओपनिंग ट्रायल बैलेंस आ रही है। इसमें सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स के लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस ही दिखाई पड़ रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स के कोई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ आप लेजर्स के जो भी बैलेंसेस देख रहे हैं वे गए वर्ष के यानी पिछले वर्ष के क्लोजिंग बैलेंसेस ही हैं, जो कि अगले वर्ष में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गए हैं। समझने के लिए हम आपको पिछले साल के बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं। ये देखिए सभी लेजर्स के नाम और उनके बैलेंस समान ही हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर चेंज करना। इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कंपाउंड एंट्रीज के द्वारा आप अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का समय कम कैसे कर सकते हैं।